एक रैसलर आ बाबा बाबा नाम का वा मैं तो उन्होंने जानता भी नहीं सी ते उन्हें ना कहा पहला तीन पंजाबी अपने जिहड़े भरा सी उन्होंने धोखे नाल हराया उन्होंने चीटिंग करके हराया हंकार हंकार दे विच ये लफ्ज बोल गया कहिंदा पंजाब दे विच कोई इदां दा रैसलर नहीं हैगा जिहड़ा मैनू हरा सके ते इन्नी औकात नहीं किसी रैसलर की पंजाब दा तां कहिंदा बस वी पंजाबी दे नशे च डुब गए ने वी पंजाब राजस्थान दा मुकाबला नहीं कर सकदा जो पंजाब का नाम लगे पंजाबियों की गल आ जाए चलो फिर एक तो रह होता कहना फिर तो मन मिटने की गल हो गई हूँ गल पंजाब की आ गई थी किसी रैसलर को ट्रोल करता वक्री गल सी जो उन्हें पंजाब से कहता फिर मेरा मन रहा नहीं गया मेरे तो फिर मैं गले कली सारे जो मेरे कोच ने मैंने जिन्हें सिखाया मैं उन्होंने फोन किया मैं कहा बाबे नूं बोल भी पंजाब का सुल्तान सिंह आ रहा वा जो कि सुल्तान सिंह का चैलेंज एक्सैप्ट करूँगा तो यू हूँ मात पा के जी बेल्ट आ मैं अपने पंजाब के लिए लैके आऊँगा की एक ही पंच मारिया तो एक पंच मारिया डर गया वो थले डिग पिया तो मैं उन्होंने मैच च बोलिया मैं कहा जे माँ का दुध पीता भी और रिंग चा वो इन्ना डरिया हो भज गया उ फिर उन्हें मैंने किसी के थ्रू स्नेहा भेजा कहना सुल्तान बड़े कहना उन्होंने कह दे रैसलर भी मैं तेरा चैलेंज एक्सैप्ट करना फिर आ शनिवार साडा मैच होया जिहड़ा मैच होया सी बड़ा खूनी खेल मैच होया मतलब उन्हें ना मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं छी धोखे मैंने हरा दी तो जो उन्हें मेरी ट्यूब पसाई मेरा बुरा हाल हो गया पर मैं ये भी मैं यार मैं ज्यादा मरूंगा ज्यादा मैं बेल्ट लैके आऊँगा पर उन्हें सारिया जो ये चीज़ा कीतियाँ वह बस नहीं चलिया वो डर गया भी यह भी हारने वाला बंदा नहीं है पंजाब का शेर ये हारने वाला नहीं है भी बाकी मैंने कोई शेर टकरिया वा तो मैं उत्थे फिर उदो दो ही मूव लाए सिर्फ दो मूव लाए डर गया और चित्त हो गया उतों मैं अपनी बेल्ट जित के पंजाब वास्ते लै गया एक सुल्तान तुसी फिल्मां च देखिया होना है तो एक सुल्तान तुहानू पंजाब दा दिखा रहे हैं उस सुल्तान नाल मुलाकात करावांगे जो वाकिया च ही सुल्तान है क्योंकि पंजाबी कहिंदे ने गल जेकर पंजाब ते आ जावे तो फिर पंजाबी जान दी भी सिर धड़ जिहड़े कि बाजी ने उह ला दिंदे ने ते अजिहा किस्सा होया सी सुल्तान दे नाल तां ज़्यादा गलबात सुल्तान दे मूँहों तुहानू दस्सांगे की किस्सा होया सी किस तरह वो रैसलर दे विच जांदे ने ते पंजाब दे लई जिहड़ी कि बेल्ट है वो मौत दे मूँह चों जित के लैके आंदे ने तां गलबात करांगे पहला तां सुल्तान जी बहुत बहुत स्वागत तुहाडा दैनिक सवेरा टीवी बहुत बहुत शुक्रिया दैनिक सवेरा दा मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा क्योंकि जे नमाणे नूं इंटरव्यू लई बुलाया तुसीं आप जी धन्यवाद सुल्तान जी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन दे विचों तुसीं बेल्ट जित के लैके आए हो की किस्सा सीगा इहदे विच किस तरह पहुंचे कारण की सीगा जिहड़ी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन आ जी इह ना अपने खदा ग्रेट खली दी अकैडमी आ तो CWE है ना तो उद्दे ना एक रैसलर आ बाबा बाबा नाँ का वा मैं तो उन्होंने जानता भी नहीं सी तो उन्हें ना कहा पहला तीन पंजाबी अपने जिहड़े भरा सी उन्होंने धोखे नाल हराया उन्होंने चीटिंग करके हराया उहदे विच हंकार इन्ना क ज़्यादा आ गया सी ते वो हंकार जिहड़ा सी वो अपने लैग विच लै लिया कहिंदा जिहड़ा बंदा हंकार करदा वो एक दिन डिगदा ही आ ना उन्हें हंकार हंकार दे विच ये लफ्ज बोल गया कहिंदा पंजाब दे विच कोई इदां दा रैसलर नहीं हैगा जिहड़ा मैनू हरा सके ते इन्नी औकात नहीं किसी रैसलर की जिहड़ा पंजाब दा तां कहिंदा बस भी पंजाबी दे नशे च डुब गए ने भी पंजाब राजस्थान दा मुकाबला नहीं कर सकदा वो जिहड़ी चीज़ सी मैं मोबाइल दे विच वीडियो दी रैसलिंग दी देख रहा सी तां मैं द ग्रेट खली मेरे कोच ने मेरे लगे जदों पंजाब दा नाम लिया जदों पंजाब दा नाम लिया कहिंदा पंजाबियां दी गल आ जावे चलो फिर कित्थों रह हुंदा कहिंदा फिर तां मन मिटने की गल हुंदी आ हुण गल पंजाब ते आ गई सी किसी रैसलर नूं ट्रोल करदा वक्खरी गल सी जदों उहने पंजाब ते कहता फिर मेरा मन रहा नहीं गया मेरे तो फिर मैं गले खली सारा जिहड़े मेरे कोच ने मैनू जिन्हें सिखाया मैं उन्होंने फोन किया मैं कहा बाबे नूं बोल भी पंजाब का सुल्तान सिंह आ रहा वा जो कि सुल्तान सिंह का चैलेंज एक्सैप्ट करूँगा तो यू हूँ मात पा के जी बेल्ट आ मैं अपने पंजाब के लिए लैके आऊँगा जी फिर मैं उत्थे उस टाइम वो जो रैसलर से हंकार हंकार ही इन्ना बड़ा सी ना बंदे च मतलब इदा सी भी पंजाब तक कोई सही होनी जो मैं एंट्री की मैं वो एक ही पंच मारिया तो एक पंच मारिया डर गया वो थले डिग पिया तो मैं उन्होंने मैच बोलिया मैं कहा जे माँ का दुध पीता भी हुण रिंग चा वो इन्ना डरिया हो भज गया उत्थे फिर उन्हें मैनू किसी के थ्रू स्नेहा भेजा कहना सुल्तान नूं बड़े कहना उन्होंने कह दे रैसलर नूं भी मैं तेरा चैलेंज एक्सैप्ट करदा फिर आ शनिवार साडा मैच होया जिहड़ा ये मैच होया सी बड़ा खूनी खेल मैच होया मतलब उन्हें ना मतलब
कोई ऐसी चीज़ नहीं छड़ी धोखे तो मैं हराने की। हर मैच देखने को मिलते हैं कि नॉर्मल मैच थोड़ा नॉर्मल मैसेज या फिर कितना मैसेज है मेरा वीरे ये ना नॉर्मल मैच नहीं से नॉट डिस्कालीफाई मैच से जो जरा नॉन डिस्कालीफाई मैच ये होंगे ये कुछ भी आर पार की लड़ाई होंगी आ जे आप कुछ भी ये मार सकते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते भी ये जान भी जा सकती है तो मैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ये तो मेरी जान जान का भी खतरा सी तो मैं फिर भी मैंने ऐसी भी यार गल पंजाब से आई है वीरे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकिया तो मैं ये मैं क्या ज्यादातर सुल्तान अज मरिया होया आऊगा जा फिर आऊगा बेल्ट लैके पंजाब ले पहला भी धोखे तो जिदा रहा थोड़े तो भी कोई धोखेबाजी तो करने की कोशिश की उस बंद ने जिन्हें चैलेंज किया पंजाब ने। हाँ जी उन्हें सब तो ज़्यादा धोखा ही मेरे किया पहला उन्हें मेरे गल के संगल पा के मेरी घंटी दबाया भी यह मर जाए फिर उस तो बाद उन्हें गलत जगह पर मेरे अटैक कराया फिर उन्हें मेरे गल से कुटिया मैं फिर नक् के मूँह के अखा मतलब सार कोई कसर नहीं छी यार उन्हें लास्ट से आके जरा लास्ट वो ऑप्शन से ना उन्हें पता नहीं कितों ट्यूब लिया बलम वाली आने सीधी लिया के मेरे ना पिछे मारी पिछे मेरे कमर दिखाओ पिट दिखाओ सुल्तान जी को जेडी मारी है देखो ठीक है आ मेरे उन्हें जख्म करते इतों तक मारन तो बाद उन्हें मेरे मतलब ट्यूब इदा जरा घसाई मतलब उपर घसाई मेरा मैच भी पिया वा यूट्यूब ते जो उन्हें मेरे ट्यूब घसाई मेरा बुरा हाल हो गया पर मैं ये भी मैं यार मैं जब मरूंगा जब मैं बेल्ट लेके आऊँगा पर उन्हें सारिया जो ये चीज़ा कीतिया वह बस नहीं चलिया वो डर गया भी ये तो भी हारने वाला बंदा नहीं है पंजाब का शेर ये हारने वाला नहीं है भी बाकी मैंने कोई शेर टकरिया वा तो मैं उत्थे फिर उदों दो ही मूव लाए सिर्फ दो मूव लाए डर गया और चित हो गया उतों मैं अपनी बेल्ट जित के पंजाब वास्ते लेके आया। कितनी देर तक मैच चलिया 25 मिनट चलिया जी 23 मिनट लगातार उन्हें मैंने कुटिया 23 मिनट लगातार 25 मिनट का मैच सी 23 मिनट लगातार तुसीं कुट खादे धोखे नाल कुटदा ही रहा जदों वह मैं कुटते थले वाला लग जाते कुटन फिर वो लेडीज़ लग जाती सी मतलब सिर्फ मैं 2 मिनट कुटिया मैं 2 मिनट के हराता वो डर गया भी तो भी असी इन्ना कुट ले तो हार ही नहीं मनता है यार यदा की हो सकता भी किदा हार मनू हार आप यार कितों मनने वाले जो तो गल ही पंजाब की आ गई कहने दे पीर की धरती आ गुरुआ पीर की धरती आ यार कुरबानी धरती आंजाब छोटी जी है इन्नी क मेरे लिए कहते छोटी जी कणक के दाने जिनी कुरबानी से यार मैं तो दिन तैयार से मैं दिती आपके पंजाब लिए बेल्ट लैके आ ये बेल्ट वो आ भीरे जी वर्ल्ड हैवी वेट CW बेल्ट है ये बेल्ट पंजाब कदे आई नहीं हैगी 8-9 साल हो गए ने अकैडमी खुली अज तक के पंजाब कोई रैसलर बेल्ट लैके नहीं आया ये मैं 9 साल तो जो तो अपना खुली अकैडमी ये पहली बेल्ट है जी पंजाब दे विच आई है तो इस तो पहला वक् सूबे जांदियां रहियां बेल्ट हाँ हाँ जी पहला वक् वक् सूबियां च जांदियां नहीं ने पर पंजाब दे विच नहीं कोई आई सी मैं पहला मां जिहड़ा पंजाब दा सिर जिहड़ा बेल्ट नूं लैके आया तो पंजाब दा नाम वधाया वा सुल्तान जिवें तुसीं कहा 25 मिनट दा मैच सी 23 मिनट तुसीं कुट खांदे रहे जिहड़ी उत्थे दी ऑडियंस होनी है पंजाबी ऑडियंस होनी है कितें उहनां दे मन च वी पहलां दा डर होणा वी यार ये की हो रहा वी साडा पंजाब दा शेर दा ढेर हो रहा पर जिवें तुसीं कहा 2 मिनटां च सारी गेम पलट गई तो उस वेले ऑडियंस दे विच किहो जिहा जन की माहौल सीगा। हाँ जी भाई मैं हूँ दसदा वो बंदा जो कुटदा सी ना मैं उन्होंने ये कहता सी मैं कहा तेरी च जिन्ना तू कहा सी ना भी राजस्थान च दम आ मैं कहा तू पहले दम ला अपना जिन्ना दम कढ ला मैं कहा मेरे तो सिर्फ 2 मूव तेनू लगने 2 झटके लगने तू डिपना वा उन्हें अपना राजस्थान का सारा जोर ला लिया पूरा जोर ला लिया उन्हें क्योंकि मैं उन्होंने मौका दे रहा सी मैं कहा तेरे को मौके होर रह गए मैंने हराने की कोशिश कर ला कुर्सी भी मारना चाहना डंडे मारना चाहना कुछ भी मारना चाहना मार ला पर मैं हार नहीं मनी जिंदगी मौत का सवाल सी मैं कहा सुल्तान का फिर तेन दस सुल्तान का तो 2 ही दाह ने सुल्तान तो तेरे को 2 दाह डालेगा तो तेरे को मार डालेगा उही गल हुई मैं 2 दाह उन्होंने पाए और जद उ चित हो गया वो तो चित हो गया तो मैनू बेल्ट मिल गई मैं तो ऐसी मैं कहा साला खेडूगा लंबा चलू मेरे नाल पर मैनू कोई उम्मीद नहीं सी भी लंबा इन्ना इन्नी छेती हार मनूगा ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਮਾਰਿਆ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਉਹ ਵੀ ਸਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਬੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੋਢਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹਾਰਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਐਵੇਂ 2 ਫੋਕੇ ਦਬ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਆ ਤਾਂ 2 ਦਬ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਪਏ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਸਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਬੈਲਟ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤੇ ਹੋ ਸੰਗੋਵਾਲ ਪਰਤੇ ਹੋ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਸਰੋਪੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਛ ਬੈਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੈਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਹੱਦ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
मेरा जिहड़ा योगदान आ मेरे माँ बाप का वा फिर ठीक है, माँ बाप नूं खुशी देनी सी, एक माँ बाप का सिर उच्चा करना सी जो कि मैं अज्ज बेल्ट लैके कीता। माँ बाप की गल की है तुसी फैमिली दे विच कौन कौन है, तो फैमिली किदा तुसी इस पासे नूं आए रैसलिंग वाले पासे? हाँ जी, मेरे फैमिली दे विच मेरे मम्मी डैडी ने, मेरे फादर साहब ने, मेरी वाइफ आ, बच्चा वा, तो ब्रदर दे दो सिस्टर ने। मेरे ना इह जिद्दी पुस्तक जिवें आपां कहिंदे वी जिद्दी खून अपना ब्लड दे विच, इह मेरे ब्लड दे विच ही रैसलिंग दा सी, ते ब्लड दे विच रैसलिंग। मेरे फादर साहब एक बहुत वड्डे कबड्डी दे प्लेयर आ। मैं ना अक्सर आपां देखिए वी किला रैप, इक तुहानूं किस्सा दा दसदा छोटा जिहा, किला रैप उहनूं इक ओलंपियन मिनी ओलंपियन आपां खेड़े खेड कहने, पंजाब की एक प्रसिद्ध खेड आ। 1971-72 की गल आ, मेरे फादर साहब ने लगातार उत्थे अज तक का रिकॉर्ड आ, 4 साल उत्थे बैस्ट लीडर रहे ने, ठीक है, उत्थे बैस्ट होने के समय में जो हम समय को 3 साल भी उत्थे बैस्ट लीडर रहता उन्होंने बाहर ले जाती है, तो उत्थे की जी कंपनी हैगी संस्था बनाई हुई आ, तो लगातार 4 साल मेरा फादर साहब बैस्ट लीडर रहा वा। तो उदू बाद कबड्डी का सब तो तकड़ा इलाके का प्लेयर से मेरा डैडी, पूरे पंजाब के मेरे डैडी का नाम से। गल इदा हुई, मेरे डैडी का लास्ट मैच जो भर्ती हो गया से, तो बंद ने क्या कहता भी उन्होंने चैलेंज करता और लक दे ना घुंगू पाते, कहता भी जेड़ा आ रेडर जफ्फा ला दूगा, 1975-75 की गल करदा वीरे मैं, भी लक दे घुंगू पाते, कहना जेड़ा आ रेडर जफ्फा ला दूगा भी वह 500 रुपया ले जूगा। उस समय 550 लाख के बराबर होंदा सी वीरे, ठीक है, तो उस समय मेरे फादर साहब नूं जफ्फा नहीं लग्या सी, ते ओही चीज़ मैं देख के छोटा हुंदा मैं चीज़ां सुणदा हुंदा सी, मैं कहा यार मैं भी अपने डैडी वांगू ना मैं एक कुछ करना चाहुंदा, मैं अपने डैडी वांगू इदां बनना चाहुंदा। तो मेरे दिल दे विच शुरू तों ही जज्बा सी जिद्दां बचपन तों ही मैं वखरा करना चाहुंदा सी, मैं कहा मेरे फादर साहब ने जिहड़े भी उन्होंने अपने पंजाब लई कीता, मैं अपने पंजाब ते अपने देश लई करना चाहुंदा वां, भी पंजाबी हर पासे झंडे गड़दे आ, मैं आ लाइन च पंजाबी दा झंडा कढ़ना चाहुंदा सी, मेरी जिंदगी जिहड़ी सोच सी, ते मैं मेहनत हार्ड कीती, हार्ड वर्क कीता करके मैं ते अपने पंजाबियों दा झंडे दा नौ रोशन कीता। पर सुल्तान जी जदों तुसी उस राजस्थान दे रैसलर दा चैलेंज एक्सैप्ट करदे हो, परिवार दे विच वी गल चली होनी है, घर वाले नाल वी गल कीती होनी है, घरे मां-बाप नाल वी गल कीती होनी है, जिवें तुसी सर तुहाडी रैसलिंग अजिही रैसलिंग सी जिहदे विच जानि कि कॉन्ट्रैक्ट एक हो जाता चाहे बंदे की जान चल जाए, तो वह भी बंदे नूं जानि कि उत्थे भी घर दे विच कोई डर का माहौल जां तुहाडे मन च कोई इहो जी गल नहीं आई? हाँ जी बाई जी, माँ माँ का अक्सर नूं माँ तुहानूं पता ही है, माँ बाप का अक्सर यही कहें भी साडा बच्चा साडे कोल सही सलामत रहे, है ना, तो वाइफ भी कहती है भी मेरा बच्चा भी जे तैनूं कुछ हो गया फिर मैं कित्थे जाऊँगी ना। पर मैनू यह सी यार, कहिंदे नहीं हुंदे कहिंदे वे जो अपने गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने देश लई अपने पंजाब लई कौम बच्चे वारे, यार मैं तो बहुत छोटी चीज़ हाँ, मैं तो वे चरण की धूड़ भी नहीं हैगी ना, तो जो गल पंजाबी ने अणखली आ गई ना, फिर मैं अपना परिवार नहीं देखा, मैं पंजाबी की इज्जत देखी, क्योंकि मैनू अपने परिवार नालों पंजाबी की अणख पंजाबी की इज्जत जरूरी सी, जो कि मैं उन साबित करना चाहता सी भी पंजाब नशा नहीं करता, पंजाब नशेड़ी नहीं हैगा, पंजाब च इदां दे रैसलर भी हैगे आ, ते मैं फिर वह पंजाब उत्थे जाके उन्हें चेंज करके बैल्ट लैके आया। जिन्हें पंजाबी वाली बैल्ट जीती है तो उन्होंने पंजाबियों के वालों हुण बनदा मान सम्मान किया जा रहा मिल रहा है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा मैनू मान सम्मान मिल रहा, बुला रहे ने मैनू सारे, मेरे जिहड़े सके संबंधी रिश्तेदार आ, यार दोस्त मित्र ने सारे मैनू प्यार इज्जत मान बहुत दे रहे ने, मैनू माण महसूस हुंदा यार मैं पंजाब लई कुछ कीता, मैनू बड़ी खुशी हुंदी आ, हरेक थां ते मैनू बुलाउंदे ने, सन्मान करदे आ, सरूपा भेट करदे आ, खुशी हुंदी आ वीरे मेरी चीज़ दी। हुण इस तों अगला की प्लैन आ सुल्तान दा, अगे वास्ते की सोचिआ सुल्तान ने? हाँ जी, मेरा जी सब तो कहोंगे हर एक बंदे दा प्लेटफॉर्म हुंदा यार मैं कुछ वड्डा करा, है ना, कुछ जिंदगी दे विच उच्चा करा, मेरी जिहड़ी जिंदगी दा ड्रीम आ सुपना वा जिहड़ा मेरी जिंदगी दा, WWE एक रैसलिंग प्लेटफॉर्म सब तो उपर लास्ट की उही प्लेटफॉर्म आ, मैं वो WWE जाना चाहना वा, तो मेरा सब तो बड़ा जिहड़ा ड्रीम आ भी अज मैं जी आह बैल्ट जीती आ, मैं जी WWE की बैल्ट आ उत्थे ना WWE लिखे आऊगा भी अपने मोढ़े ते रखनी आ, तो मेरा मैच भी जिहड़ा करन दा सुपना वा रोमन रेंज दा, एक बहुत बड़ा खिडारी आ, बहुत बड़ा लेजेंड आ, है ना, तो मेरा मैच उहदे नाल करन दा वा, बाकी जिहड़ी हार जित उहदा परमात्मा ते आ, मेहनत ते आ, भी मेहनत जिद्दी जिन्नी आपां मेहनत करांगे उन्नी जित हार दा अपना होगा, मेरा ड्रीम सिर्फ होवे भी मैं उहनूं हरा के हराउणा, पर कुछ फाइनैंशियल प्रॉब्लमां करके ना तो मैं अगे नहीं बढ़ सकता, फिर भी चलो मेरी हिम्मत आ मैं अगे वधदा रहूँगा, मालक लैके जाने वाला वा, तो मालक ही करने वाला सारा कुछ। लगता नहीं सरकार को भी थोड़े बारे ध्यान देना चाहिए, जिवें सरकारां कह रही खेड है जिहड़े कि उसनों खेडां नूं अगे लैके वधाना वा, तो तुसीं भी एक वधिया पंजाब दा नाम रोशन कर रहे हो, कि लगता है कि पंजाब सरकार को भी थोड़े वल ध्यान देना चाहिए? हाँ जी, पंजाब सरकार को मैं गुजारिश करदा, मैं बेनती ही करदा हाथ जोड़ के, कि भी खिडारियों पर थोड़ा जिहा ध्यान दिता जाए, क्योंकि पंजाब च रह गए गिने चुने खिडारी आ, पहला कितने पंजाब खेडों के पहले दूजे तीजे नंबर देते, अज 23वें नंबर के उत्ते आ, क्योंकि खेडा लुप हो रही पंजाब दे विचों, नौजवान पीढ़ी आ जिहड़ी नशे च पै रही आ, ते सरकार गेम के उत्ते ध्यान नहीं दे रही हैगी,
तो मैं सरकार को अरदास यही बेनती करदा कि भी खिलाड़ियों थोड़ा ध्यान दिता जाए। मैं भी चाहना भी सरकार मेरे बारे भी कुछ सोचे, क्योंकि मेरी जिंदगी का जो सुपनामा है, मैं भगवंत मान को अरदास करदा बेनती करदा वा कि भी जिहड़ा सुल्तान का सुपनामा कितने टुट ना जाए। तो भगवंत मान साहब भी मेरी आ वीडियो जो देखते हैं तो थोड़ा जहा निमाने ते हाथ रखियो कि मैं जाके वो रोमन रेंज नूं हरावां ते पंजाबियों दा ते अपने देश दा नाम रोशन करा। बहुत बहुत धन्यवाद सुल्तान जी। तो तस्वीर थोनों दिखा रहे हैं, ये पंजाब का सुल्तान है। एक सुल्तान तुसी फिल्मों च देखिया होना है जिन्हें धूमा पाइया सी, तो एक पंजाब का सुल्तान है जिन्हें हुण पंजाब दे लई जिहड़ी कि बेल्ट है वह जीती है। तो पंजाबियों का जिहड़ा कि नाम रोशन किया, कहिंदे जद गल पंजाबियों की अणख ते आ जावे तो पंजाबी मर मिटन तक जाते हैं। तो अजिहा ही किस्सा सुल्तान नाल होया। राजस्थान का रैसलर है, उसके वलों ट्रोल किया गया, किया जाना सीगा रैसलर नूं, पर उसके वलों रैसलर नूं छड्ड के पंजाब नूं ट्रोल किया गया। कहा गया कि पंजाब दे विच कोई अजिहा नौजवान नहीं हैगा जो उसका जिहड़ा कि मुकाबला कर सके। तो उसकी वीडियो जिहड़ी कि सुल्तान ने देखी, तो वीडियो देख के सुल्तान दा जिहड़ा खून आ खोलदा। तो उस तो बाद सुल्तान दे वलों दा चैलेंज है एक्सैप्ट किया जाता। तो 25 मिनट तक जिहड़ी कि रैसलिंग उह लगातार चलती है। तो मौत दे मूँह दे विचों जिहड़ी कि बेल्ट है जित के लैके आए ने, ते पंजाब दा जिहड़ा कि नाम है वह रोशन किया। तो उम्मीद करदे हुण पंजाब सरकार भी सुल्तान दे वल ध्यान देवे तां जो अजिहे जिहड़े चंगे खिडारी ने अगे जा के भविख दे विच वी पंजाब अते देश दा नाम जिहड़ा कि रोशन है वह कर सकन। कैमरा परसन रोहित नाल हिम्मत सिंह, दिकपाल, दैनिक सवेरा, संगोवाल।